दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों के साथ हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो है वो लोगों के दिलो दिमाग में अब अपना घर बनाते जा रही है। और भाई इस फिल्म को लेकर हर एक प्लेटफॉर्म से बस यही जानकारी आ रही है कि भैया ये फिल्म दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और भाई इस फिल्म की चर्चा अब हर उस प्लेटफॉर्म पर होने लगी है जहाँ पर इस फिल्म की चर्चा हो ही नहीं रही थी। तो भैया उसके बाद से ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जनता की मांग के आगे झुकना पड़ा और इस फिल्म का स्क्रीन काउंटिंग जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो भाई अब इस फिल्म को कितने स्क्रीन मिल चुके हैं ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन आज इस फिल्म का कहां कहां कितना स्क्रीन बढ़ा है और इस फिल्म ने आज कैसा ऑक्यूपेंसी पूरे दिन में पाया है पूरे इंडिया से, वो सारे आंकड़े में बताते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि भैया ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस से कितना का कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भैया इस फिल्म को आज पूरे दिन में ओवरऑल कैसा ऑक्यूपेंसी मिला है पूरे इंडिया से। तो भैया वो आंकड़ा है 85.65% का, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का ऑक्यूपेंसी रेट लेती नजर आ रही है ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया से। उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के आज के मॉर्निंग वाले शो की, तो भैया मॉर्निंग वाले शो में ही इस फिल्म को 76.27 का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। उसके बाद आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 95.03 का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। और इस फिल्म को लेकर इवनिंग का शो का जो हम लोगों के पास में ऑक्यूपेंसी रेट आ रहा है उसमें यह बात बताई जा रही है कि यह फिल्म 98% का ऑक्यूपेंसी रेट इवनिंग के शो में लेगी और रात वाले शो में भी कुछ कुछ ऐसा ही ऑक्यूपेंसी रेट मिलने वाला है इस फिल्म को। यानी कि इस फिल्म का हर एक शो आज पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुका है और इसकी गवाही हर एक स्टेट के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को आज मुंबई में पूरे दिन में जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो है 93% का। और भाई मुंबई में अब इस फिल्म के शो हो गए हैं 389। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म को ओवरऑल पूरे दिन में 86% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और यहां पर अब इस फिल्म के शो हो गए हैं 453। उसके बाद पूना में इस फिल्म को ओवरऑल पूरे दिन में 93.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और यहां पर इस फिल्म के अब शो हो गए हैं 123। उसके बाद बेंगलुरु में इस फिल्म को पूरे दिन में ओवरऑल 92.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और यहां पर इस फिल्म को 106 शो मिल चुके हैं। उसके बाद हैदराबाद में इस फिल्म को ओवरऑल पूरे दिन में 98% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और यहां पर अब इस फिल्म को 61 शोज मिले हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भैया कोलकाता की, तो भैया कोलकाता में भी अब इस फिल्म के शोज को बढ़ा दिया गया और यहां पर भी इस फिल्म को जंप मिला है ऑक्यूपेंसी रेट में। यानी भैया कल इस फिल्म को यहां पर 40% का भी ऑक्यूपेंसी रेट नहीं मिला था, लेकिन आज कोलकाता में इस फिल्म को 71.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और यहां पर अब इस फिल्म के 111 शो हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भैया अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में इस फिल्म को 77.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है पूरे दिन में और इस फिल्म के जो शो हो गए हैं अहमदाबाद में उसकी संख्या हो गई है 215। उसके बाद अगर हम बात करें भैया चेन्नई की, तो चेन्नई में इस फिल्म को 86% का ऑक्यूपेंसी रेट पूरे दिन में मिला है और यहां पर इस फिल्म को 43 शोज मिल चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भैया सूरत की, तो भैया सूरत में भी इस फिल्म के शोज में इजाफा हुआ है, यहां पर इस फिल्म को 117 शोज मिल चुके हैं और इस फिल्म को यहां पर आज पूरे दिन में 80% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें भैया जयपुर की, तो जयपुर में भी इस फिल्म को शानदार ऑक्यूपेंसी रेट मिला है कल के बाद आज, यानी कि 79% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है इस फिल्म को जयपुर में और यहां पर अब इस फिल्म के शोज हो गए हैं 72। उसके बाद अगर हम बात करें भैया चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में इस फिल्म को अब यहां पर 60 शोज मिल चुके हैं और यहां भी इस फिल्म को 64% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है पूरे दिन में। उसके बाद अगर हम बात करें भैया भोपाल की, तो भोपाल में इस फिल्म को 35 शोज मिले हैं और यहां पर इस फिल्म को 85.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। उसके बाद अंत में अगर हम बात करें भैया लखनऊ की, तो लखनऊ में इस फिल्म को 74 शोज मिले हैं और यहां पर इस फिल्म को 89.50% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। यानी कि भैया पूरे इंडिया से इस फिल्म को लेकर ऑक्यूपेंसी रेट जो हम लोगों के सामने आ रहे हैं उसको देखने के बाद यह बात कही जा रही है कि भैया इस फिल्म का जो स्क्रीन काउंटिंग जो है वो पूरे इंडिया में अब 2000 से ज्यादा हो चुका है। बहुत जगहों पर कई सारी फिल्मों को हटाकर अब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और उसका कारण यह है कि भैया इस फिल्म की डिमांड बढ़ गई है, ऑडियंस इस फिल्म को देखना चाहती है और इसी वजह से
भैया सोच बढ़ाने पड़ रहे हैं इस फिल्म के। और भाई जिस तरीके से इस फिल्म को आज ऑक्युपेंसी मिला है 2000 स्क्रीन के माध्यम से, उसको देखने के बाद यह बात कही जा रही है कि यह फिल्म आज बहुत ही आसानी से 17 से 18 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, आंकड़ा 20 करोड़ का भी हो सकता है। यानी कि यह फिल्म महज 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस से भैया 30 से 35 करोड़ का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया ये बात साबित करके दिखा दी ना द कश्मीर फाइल्स ने कि भैया अगर आप पूरे दिल से सच्चाई से बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से सिनेमाघर में आओगे तो जनता का प्यार आपको मिलेगा, ये बात साबित हो गई ना इस फिल्म से, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।